आज की वीडियो अगर तुम लोग थोड़ी सी भी स्किप करते हो तो तुम लोग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ गंवा दोगे जिसके बारे में तुमने सोची भी नहीं होगी। सो इफ़ यू वॉन्ट दिस वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम्हें लिविंग लेजेंड की वीडियो में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, उसकी रिप्ले एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग? तो तुम लोग में से मोस्ट ऑफ द बंदे बोलेंगे मोशन ब्लर, जो कि उसकी वीडियो में इतनी स्मूथली रहता है कि मतलब बंदा स्किप कर ही नहीं सकता उसकी वीडियो को। तो मैं तुम लोग के लिए लाया हूँ हाउ टू मेक POV लाइक लिविंग लेजेंड, और इस वीडियो में मैं तुम लोग को देने वाला हूँ 3 वर्किंग ट्रिक्स जिसे कि तुम लोग अपनी वीडियो में लगा सकते हो मोशन ब्लर सेम एज लाइक लिविंग लेजेंड। ओके, सो सबसे पहले ट्रिक है, तुम्हें एक शेडर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है टी शेडर्स। उसको तुम जैसे इंस्टॉल करोगे देन तुम्हें जाना है अपने शेडर वाले उसमें, एंड यहाँ पे इस शेडर को सेलेक्ट करके शेडर पैक सेटिंग में जाना है। एंड शेडर पैक सेटिंग में जाते ही यहाँ पे जाना है पोस्ट प्रोसेस में, एंड यहाँ पे मोशन ब्लर को ऑन कर लेना है। तो इस चीज़ से तुम अपनी वीडियो पे जो तुम्हारा रिप्ले उस पर मोशन ब्लर लगा सकते हो और वीडियो पे भी लगा सकते हो। और जो सेकंड ट्रिक है उसमें भी तुम्हें एक मॉड ही इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस मॉड का नाम है मोशन ब्लर। अब ये मॉड जो सवाल आता है तुमको मिलेगा कहाँ से, तो इसके लिए तुम्हें हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पे तुमको प्रीवियस वीडियो के और इस वीडियो के सारे मॉड्स मिल जाएंगे मतलब मॉड्स वाले एक चैनल में। तो फटाफट से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक पिंड मिल जाएगा। तो इसको जैसे ही तुम इंस्टॉल करके अपने माइनक्राफ्ट में अप्लाई करोगे तो तुम्हें लिखना है /motionblur, देन अगर तुम लिखोगे 15 तो ये देखो मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी मोशन ब्लर अप्लाई हो गया। एंड इसको मैं थोड़ा सा भी बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं इसको करता हूँ 25, तो अभी और ज़्यादा मोशन ब्लर आ गया देखो वीडियो में। और अगर तुम इसको बहुत ज़्यादा कर दोगे, जैसे तुमने इसको कर दिया 75, तो ये लिटरल अनप्लेएबल बन जाएगा, मतलब तुम खेल ही नहीं सकते हो ऐसा बन जाएगा ये अनप्लेएबल। एंड जो थर्ड एंड सबसे लास्ट ट्रिक है, इसको थोड़े बहुत ही बंदे मतलब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए चाहिए तुम्हें बहुत अच्छा PC, और तुम्हें अपनी OBS की सेटिंग को 120 FPS में तुम्हारी जो भी गेम प्ले उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जब तुम एडिट करोगे तो एक्सपोर्टिंग के टाइम तुम्हें इसे 60 FPS में एक्सपोर्ट करना है। एंड पर्सनली इस चीज़ को लिविंग लेजेंड अपनी वीडियो पे यूज़ करता है। और देखो अगर तुम 120 FPS पर रिकॉर्ड किए होगे तो जितने भी तुम्हारे जो बचे 60 FPS हैं वो मोशन ब्लर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे और तुम्हारी वीडियो पे मोशन ब्लर आ जाएगा। और इसके लिए तुम्हें चाहिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा PC लाइक RTX 3060 Ti एंड 16 GB RAM, एंड प्रोसेसर भी राइजन का कुछ अच्छा सा चाहिए होगा। तो मेरे PC में तो ये चीज़ सपोर्ट नहीं करेगा, तो यस मतलब मोस्ट ऑफ द बहुत कम ही बंदे मतलब इसको वो कर सकते हैं अप्लाई। ओके, सो अगर तो तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दो और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड या जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।